हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो है वो है एल्विश का नया व्लॉग, जो कि है एल्विश यादव बिगेस्ट दिल्ली मीटअप। और हम सबको पता ही है कि कितना ग्रैंड मीटअप था ये, कितने ज़्यादा लोग आए हुए थे, इतने ज़्यादा लोग कि मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। इतना प्यार है आप लोगों का। और मैंने कल जो वीडियो डाला था वो भी उसी का ही था, लेकिन मैंने एल्विश के व्लॉग पर नहीं रिएक्शन वीडियो बनाया था। तो मैं आप लोगों के लिए रुकी हुई थी कि मैं इस पर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, इसलिए मैंने देखा भी नहीं ये व्लॉग। और आज आई नो आप लोगों ने सबने देख लिया होगा, बट मेरे साथ एक और बार देख लो, मज़ा आएगा। और या वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ कीर्ति चंद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेट्स प्ले। वाई व्हाट्सअप, मेन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले और आप लोगों को इससे पहले मैं थैंक यू बोलूँ मीटअप के लिए। मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वोटिंग स्टार्ट हो चुके फिनाले के लिए। और मंडे को 11:59 AM तक है, मंडे का मत सोचो, संडे तक ही है ये सोचो, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि जियो सिनेमा ऐप पे जाके कैसे वोट करना है, पहली बात तो। और जियो सिनेमा जिसके में नहीं है, जो हमारा ब्लॉग देखता है, हालांकि आई नो कि सब पे होगी, तो भाई डाउनलोड कर लो पहले तो जियो सिनेमा, डाउनलोड कर लो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, हर जगह से जाकर, ठीक है ना। स्पेलिंग डालो जियो सिनेमा, डाउनलोड करो, उसके बाद लॉग इन करो, रजिस्टर करो, फिर मैं आगे का प्रोसेस नीचे करके दिखा रहा हूँ बैक कैमरा सर को। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जियो सिनेमा खोलना है, जियो सिनेमा खोलने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये तो चलो एपिसोड हो गया, एपिसोड खोलो, एपिसोड में वोटिंग का है तो ठीक है, वरना जो लाइव का आ जाएगा यहाँ पे लाइव खोलो, वोटिंग पे जाओ और यहाँ पे अपने भाई की फोटो दिखेगी आपको, अपने भाई की फोटो दिखेगी, एल्विश यादव लिखा होगा, वोट टू मेक योर फेवरेट कंटेस्टेंट विन, एल्विश यादव पे क्लिक करो, उसके बाद वोट नाउ पे क्लिक कर दो, थैंक यू फॉर वोटिंग, योर वोट हैज बीन सबमिटेड। 5-10 सेकंड का वेट करो ताकि वोट सबमिट हो जाए। वैसे हर एक फोन से करते तो रहना है मैं एल्विश को, पर मेन चीज सुनो, इन चीज़ ये है कि एक फोन से, एक यूजर आईडी से, एक रजिस्टर्ड आईडी से एक ही वोट काउंट होगी, मल्टीपल वोट मतलब अलग अलग कंटेस्टेंट के लिए है, तो मेक श्योर, क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा। एक फोन से तो करते ही रहो एल्विश को बार बार बार, पर अलग अलग फोनों से करो ताकि वो काउंट ज्यादा हो, ठीक है ना। अब इस पर लिखा हुआ है साफ साफ कि एक फोन से एक ही काउंट होगी, पर हम तो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ एक बंदा रोज के दिन के जितने भी व्लॉग देख रहे हैं, जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, एक बंदा एक दिन का मिनिमम 100 फोन से 100 अलग अलग आईडी से, अलग अलग रजिस्टर्ड आईडी से जियो सिनेमा पे वोट करें, 100 अलग अलग फोनों से, अलग अलग आईडी से, गाइस प्लीज। अगर एक बंदा 100 वोट भी कर देगा दिन के ना, अलग अलग फोनों से, मतलब दो तीन दिन रह गए हैं, आज क्या हो गया, फ्राइडे हो गया ना, आज सैटरडे थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन है, तो 300 वोट हो जाएंगे पर बंदा, ठीक है ना। जितने भी आप देख रहे हो, कर दो सिस्टम हैंग भाई, सिस्टम हैंग कर दो, ऐसा कर दो कि पार सिस्टम, समझ रहे हो। फिनाले का टाइम है गाइस, 2-3 दिन की बात रह गई है, मैंने जो तो वो बताना था, मैंने कुछ जो बताना था मैंने बता दिया, बाकी का व्लॉग देखो मीटअप का, जितनी क्लिप्स हैं इतनी क्लिप्स निकल पाई भाई मीटअप की, बाकी तुम्हें पता ही है मजा आ गया, ठीक है ना। पहले क्लिप्स देखो फिर एंड में मिलता हूँ व्लॉग के। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, कैसे हो। मीटअप का व्लॉग है, स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, जब तक आप देखोगे अब तक हम जा चुके होंगे, यहाँ पे अपना मीटअप हो रहा है, एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ कि हमने कर दिखाया गाइस, और होपफुली अच्छा जाएगा मीटअप, अभी तक हुआ नहीं, अभी सारी टीम आ रही है, DOP वगैरह सब आ रही है, तो बाकी क्लिप्स वहाँ से देखोगे तुम, ठीक है ना गाइस। तो मैं अभी फटाफट चेंज कर लेता हूँ, नहा धो लिया था, खाना खा लिया, सुबह से अब खाया, ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, फटाफट चेंज कर लेता हूँ, पूरे भाई आ रहे हैं, रिहर्सल करनी है हमको थोड़ी सी रिहर्सल, मतलब डिस्कस तो कर ही लेंगे कि कैसे होस्ट करना है, क्या क्या पॉइंट, क्या 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 सुनना क्या नहीं है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं यार, क्या बोलूं, दिमाग 20 जगह चल रहा है आज के दिन के रिलेटेड। आप लोगों को पता है एल्विश भाई का मीटअप, तो हम आ चुके हैं एल्विश भाई के घर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी पूरी जर्नी, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आंटी हमारी रेडी हो चुके हैं। भाई आप तो आंटी सुंदर लग रही है, आंटी एक्साइटेड हो फुल, बस हमारी एक दिक्कत हो गई कि अंकल भाई स्कूल चले गए, आंटी अपने अंकल को स्कूल को भेज दिया, वो नहीं होता कि लड़के का मीटअप तो होता रहेगा, स्कूल में जाता हूँ, हाँ अंकल से मेरी बात हुई थी, बाकी हाँ जी, हाँ जी, बाकी अंकल आ रहे हैं अभी हमारे साथ ही चल रहे हैं, हो गई बात, हाँ फुल एक्साइटेड हो, मजा आने वाला है, सब आ रहे हैं हमारे भाई लोग, और आप थोड़ा सा रेडी हो जाओ फटाफट से, फिर यहाँ निकलते हैं। अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है, सेट कर दे फटाफट से टाइम, और भाई फरीद भाई आ रहा है तो वो भी थोड़ा सा शूट करके और फिर निकलेंगे, अज्जू भाई भी आ रहे हैं, विकास भाई भी आ रहे हैं, मनीष भाई भी आ रहे हैं, सबको मैं एक बार फटाफट से बुला लेता हूँ, फिर यहाँ से पूरा काफिला निकलेगा। 2-3 हाँ भाई करो जल्दी करो, ले
अरे अंकल का वेट कर रहे हम, सुपर स्टार अंकल रह गए बस हमारे। अंकल को ये नहीं पता अंकल का चेहरा दिख गया तो अंकल यू खड़े रह जाएंगे बस। अंकल पड़ेगा भाई, सारे भाई यार आ गए बस अंकल का वेट। विकास भाई बाहर गाड़ी लगा रहे, हमारे सुपरस्टार अंकल जी सबसे लेट आए हैं। अंकल अब ये तो बताओ पहले आप स्कूल क्यों गए थे? वो मेरा कर्म क्षेत्र है, ड्यूटी है भाई, जरूरी है वो भी। अरे आज तो एक दिन की तो छुट्टी ले सकते थे आप? नहीं जो ड्यूटी है ड्यूटी इज ड्यूटी। अंकल अब सारे रेडी है, अब निकलते हैं सीधा यहाँ से। ठीक है चले भाई, सारे रेडी हो? चलो भाई चलो, अब यहाँ से निकल रहे गाइस। अब पूरा काफिला जाएगा सीधा एडवेंचर आइलैंड और वहां जाके मिलते हैं आपसे। भाई अंकल आंटी की राइड ये है, खोलो भाई खोलो, आओ आंटी बैठो आपको इसमें, हाँ आ जाओ पीछे पीछे, अंकल आगे कैमरामैन बैठेगा ना भाई, ये सीट आगे कर लेना, सीट आगे कर लो, थोड़ी सी आगे कर लो भैया, बाकी गाड़ी भी बाकी भाई। अपनी डिफेंडर मस्त लग रही है डिफेंडर। एक सेकेंड भाई, बहुत क्योस मचा पड़ा इस टाइम, गाड़ी आगे ले लो भाई, कैमरा मैन उठाना है। अंकल आप एक्साइटेड हो? पहला मीटअप आपका अंकल, मजा आएगा। मैं बस यही कह रहा हूँ अंकल, थोड़ा सा ध्यान रखना, लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो थोड़ा बुलाते हैं अपने पास, तो आप देख लेना बिल्कुल मजा आएगा। आओ भाई चलो, सबसे पहले तो फरीद को सिस्टम हैंग कर देना भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सिस्टम हैंग कर देंगे। पूरा जुट्ठा जा रहा है, पूरा जुट्टा जा रहा है, डिफेंडर डिफेंडर तुम नाम नाम पे डिफेंडर, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर ऑडी सब। अंकल आंटी का स्वागत हो गया है मस्त तरीके से, चले चले आंटी आओ आ जाओ आ जाओ, भाई पूरी भीड़ इकट्ठी है बस। अच्छा कॉल जिम्मी, अंकल को बुला ले, आ जाओ अंकल आ जाओ भाई, चला मैं तुम लोगों को आ रहा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सुपर जा रहे तुम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आ जाओ अंकल आओ फटाफट। अंकल कैसा रहा अभी तक का सफर? एकदम एकदम बढ़िया। हंसो मत, टेंस मूवमेंट दो, वैसे फिर समझ भी जैसे बहुत टेंस में लो, नेचुरल में रहो, नेचुरल में टेंस भेजने के करना ना, भेजने के है, ऐसे लग रहा है सुबह से, ऐसे लग रहा है सुबह से। एक भाई हमारे बैरिकेड बैरिकेड सब तोड़ दी, फोन आया है बैरिकेड बैरिकेड कुछ तोड़ दी, भीड़ बहुत कठिन हो रखी है पूरा, पर एलिश भाई के सपोर्ट में और भाई अपना जीतेगा, फुल जीतेगा। बैरिकेड तोड़ भीड़ आगे रोड तक, रोड रोड तक भीड़ आगे भाई, बैरिकेड तोड़ दिया बताए भाई, चलाओ हो क्या कर। अनु भाई बुझ जाते, देख ही जाएगी आज, आज देख ही जाइए, ठीक है वीडियो कॉल कर देना हमको। इंद्रजीत यादव लड़के अंकल लगते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो अलीश भाई की पूरी फैमिली यहाँ ही है, आज सबके मन में थी कि भाई सब स्टेज पे जाएंगे अलीश भाई के सपोर्ट के लिए, सारी भीड़ देखेंगे। अंकल पहले तो सबका इंट्रोडक्शन दे दो आप। ये अलीश के चाचा ओके इंद्रजीत, ये सुरेंद्र जी उनके मामा, अमन और ये अमन कटारिया गुड़गांव से उसके दोस्त हैं, ये उनकी मौसी नीलम और अंकल भूल गए नीलम बताऊं क्या, अलीश की सिस्टर इन लॉ गीता जी, और ये मैं ईश्वर सिंह दिल्ली से, यही दिल्ली सेक्टर रोहिणी 13 से। एल्विस के प्रोग्राम का पता लगा तो एडवेंचर आइलैंड हम आए, तो यहाँ हम जैपनीज पार्क यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ गाड़ी खड़ी करके पैदल आए, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें पता है कैसे जद्दोजहद की, स्टेज में पहुंचे
नजदीक तो पहुंच ही नहीं पाए, इतनी भीड़ थी, इतनी पब्लिक थी, इतना अपार प्यार मिल रहा है एल्विस को कि देख के हम तो हैरान हो गए। और वहां पता लगा कि भीड़ की वजह से प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, इतनी अपार भीड़ आ गई कि हम हैरान हो गए देख के। और उनके जो आए थे मम्मी पापा वो भी स्टेज तक नहीं पहुंच पाए, हमारी जो भीड़ आई उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और एल्विस को ऐसे ही प्यार मिलता रहे और आप सब लोग उनको वोट करें, इसके लिए मैं आपसे विनती करूंगा कि एल्विस ही सबसे आगे रहेगा। और मेरी ये दिली तमन्ना है, मुझे पता लगा कि एल्विस आया है, वो सॉरी एल्विस का प्रोग्राम है, तो मैं बगैर किसी जानकारी के यहाँ पहुंचा और सब भीड़ भाई भीड़ में जो आया सबका बहुत धन्यवाद। सिस्टम हैंग हो गया। थैंक यू आंटी। अब भाइयों का इंटरेक्शन दे दो सबका, आओ आगे आओ ना। हाँ भाई चलो, पहले तो अपना ही दे दो। मैं भाई मामा का लड़का वंश, ठीक है, बुआ का तो जानती है। ये सारे भाई बल्लभगढ़ से, ये भाई माधीपुर से, और वो भाई वहां से गांव नकड़ोला से। ओके, वो हमारी भाभी जी और ये हमारी बहन छोटी। ओके, तो भाई कैसा रहा मीटअप का एक्सपीरियंस, आप सब बता दो पहले तो कैसा। यार देख के मजा बिल्कुल, बाकी थोड़ी थोड़ा सा एक मन में वो है, मगर हाँ जनता का प्यार सबसे ऊपर है भाई। ये आप लोग देख रहे हो, ये अनबिलीवेबल भाई, यहाँ भी भीड़, ये एंट्री दिखा रहे हैं भीड़, ये यहाँ सब भाई, ये नीचे भाई साहब बाउंसर बुलाओ। वो देखो अंकल, वो जो पूरी भीड़ है ना, वो जो भीड़ दिख रही है वो सारी अपनी है। और आओ भाई साहब, ये तो 20-25 हजार लोग आ गए, अभी तो आएंगे और अभी और आएंगे। अंकल ये पेड़ भी है, देखा देख ले आंटी, अभी तो पेड़ वेड़ से ढका हुआ है सारा, जो ये दिख नहीं रहा राइट हैंड को भी। गाइज थैंक यू सो मच, पहली बात तो मीटअप इतना सही रहा, आप लोगों ने इतनी पावर दिखाई, एल्विस आर्मी का जो हाहाकार था ना, सिस्टम था, बैरिकेडिंग टूट गई, पुलिस वाले आ गए, सिस्टम है तुम्हारा यार, सिस्टम तो देखो है तुम्हारा, जो बात है सिस्टम के नीचे तो रहना पड़ेगा, ठीक है, और ट्रॉफी वजीराबादी आएगी, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ें मेरे को बोलनी थी, मैं लिटरली इतना स्ट्रांग फील कर रहा था इमोशनली भी, और आप लोगों के साथ वहाँ पे स्टेज शेयर करते हुए कि मज़ा आ रहा था भाई, तुम में बहुत पावर है भाई, तुम बहुत पावरफुल लोग हो, बहुत पावरफुल हो, इकट्ठे खड़े हो ना क्या नज़र ना लगे किसी को एल्विस आर्मी की, बेस्ट बेस्ट, ठीक है ना। और जो भी नेगेटिव बातें फैला रहे कोई बात नहीं भाई, सिस्टम है हमारा नुई है, अपना बैरिकेड वैरिकेड तोड़ दे रहे हैं, सिस्टम सिस्टम हैंग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना गाइज, मज़ा आया। मेन चैनल पे भी डालेंगे मीटअप की वीडियो, ठीक है, बाकी वोट करना है, 3 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन रह गए हैं, रोज़ के 100-100 वोट पर बंदा, अलग अलग फ़ोन से, अलग अलग आईडी से गाइस, ठीक है। अब मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग में, ठीक है, आई लव यू, बाय बाय, सी यू, बहुत जल्दी मिलेंगे। यस, बहुत अच्छा व्लॉग था, ये देखना था मेरे को कि भाई अंदर कमरे में क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, आंटी अंकल का क्या रिएक्शन था, मेरे को वो चीज़ देखनी थी, और मुझे पता था वो इसी इनके ही व्लॉग में दिखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी सब में वही है भीड़ भीड़, सब लोग जितने आए हुए हैं वो क्राउड दिखाया, लेकिन आंटी अंकल का भी मुझे देखना था। और आंटी तो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत अच्छे से बेचारे दोनों रेडी होकर आए थे, स्टेज पर आ जाते अगर आप आते तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आता, हमें भी बहुत मज़ा आता, देखने को मिलता कि वो क्या बोलते हैं, एंड बीइंग अ पेरेंट्स उनको कितना प्राउड फील हो रहा है, पूरी फैमिली आई हुई थी, पता नहीं बल्लभगढ़ कहाँ कहाँ से आए हुए थे, जितने भी उनके रिलेटिव्स थे सब लोग आए हुए और इतना प्यार दे रहे हैं एल्विस को, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि लव ने बोला कि उनको सारे फ़ोन से जितने पर डे के 100-100 आप करवाओ, वोट्स करवाओ, और वहाँ पे सिस्टम हैंग कर दो, तो ज़रूर करो, क्योंकि हम लोग भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, और जीतना तो है, ट्रॉफी तो वज़ीराबाद ही आनी है, तो ये आप लोग के उससे ही पॉसिबल है। और वही हाँ, जो भी नेगेटिव कमेंट्स करें उन सबको इग्नोर करो, ऐसा ही आप लोग का यही सिस्टम है, यही है बस, अब जैसा है यही है, और ये आप लोग का प्यार है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों के 100 मुँह होते हैं, 100 मुँह वाले बोलते रहेंगे, इग्नोर कर दो सबको। और बहुत मज़ा आया, बहुत जो जिस चीज़ के लिए इवेंट था वो सक्सेसफुल से भी कुछ बड़ा वर्ड होता तो वो मैं बोलती, बट इट वॉज़ अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, बहुत अच्छा लगा।
और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। और बाकी अगर मेरी रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना। एंड नए आए हो मेरे चैनल पे, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ कीर्ति चंद। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।